आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्योसेरा 2040 D1 मशीन में डुप्लेक्स प्रिंटिंग, आईडी कार्ड सेटिंग और लीगल टू A4 और लीगल टू लीगल किस तरीके से कॉपी निकालनी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे 4 बटन है, ये आप देख सकते हैं। हर बटन में आप अलग अलग सेटिंग सेव करके रख सकते हैं। हर बार जो आप इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो सेटिंग यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। जो भी आपने सेटिंग किया है उस वो ये बटन जो भी बटन आप 4 में से दबा के रखोगे तो वो सेटिंग इस बटन में सेव हो जाएंगे और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो बटन दबाएंगे तो जो भी आपने सेटिंग उसमें सेव किया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग देखेंगे। ये आप देख सकते हैं पेपर है, मैंने आपको दिखाने के लिए प्रिंट आउट निकाली है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले ये फंक्शन मेनू है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे डुप्लेक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 1 साइडेड 2 साइडेड दूसरा नंबर का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से, फिर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर ये स्कैनिंग हो जाएगा और उसके बाद जो आपको पीछे जो भी प्रिंट करना है उसको फिर से स्कैन करना है। मैं आपको दिखाने के लिए यही पेपर दोबारा से स्कैन कर रहा हूँ और आपको फिर से स्टार्ट बटन दबाना है। ये देखो स्कैन हो रहा है, फिर आप एंड बटन पर क्लिक करोगे तो ये जो भी आपने स्कैन किया है वो दोनों तरफ प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्रिंट हो के आ गया है, दोनों तरफ प्रिंट हो गया है। अब दूसरा जो सेटिंग है वो आईडी कार्ड का सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं एक आईडी कार्ड है, मैंने आपको दिखाने के लिए एक प्रिंट आउट निकाली है। सबसे पहले आपको जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे बीच में रखना है इस तरीके से, और इसका सेटिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये सेटिंग सेव करके रखा है प्रोग्राम मेनू में, पहला जो बटन है ये जो बटन है पहले वाला उसके अंदर मैंने सेव करके रखा है कि आप ये जो पहला बटन है आईडी कार्ड कॉपी वाला उसमें अंदर मैंने सेव करके रखा है। ये आप देख सकते हैं मेरा सेटिंग। सबसे पहले आपको फंक्शन मेनू में जाना है और जो पेपर है वो तो ठीक है, यहाँ से आपको जूम पर क्लिक करना है। आपको जितना भी जो आईडी कार्ड है वो ज़्यादा जूम करना है, कम जूम करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 130 जूमिंग सिलेक्ट किया है। फिर बाद में आपको ये जो कंबाइन बटन है उसमें 2-in-1 सिलेक्ट करना है। 2-in-1 सिलेक्ट करेंगे तो जो दो प्रिंट हम स्कैन करेंगे ऊपर नीचे आ जाएगी। और ये है डेंसिटी, कितना अपनों डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है। मैं लाइट रखता हूँ क्योंकि जो आधार कार्ड और जो इलेक्शन कार्ड आते हैं उसमें फ़ोटो जो होते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, इसलिए मैंने माइनस करके रखा हुआ है, लाइट रखा हुआ है, लाइट टू रखा हुआ है, -2, क्योंकि वो फ़ोटो फिर अच्छी प्रिंट होके निकलती है। और ये आपने एक बार सेटिंग कर लिया, फिर आप जो प्रोग्राम बटन का एक बटन पर क्लिक करके रखोगे तो वो सेटिंग सेव हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप स्कैन हो रहा है, मैंने अगला जो आगे का हिस्सा है वो स्कैन कर लिया है, पीछे कुछ है नहीं इसलिए मैं आगे का ये दोबारा स्कैन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर से हमको स्कैन करना है स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, आप देख सकते हैं स्कैनिंग हो रही है। इसके बाद एंड स्क्रीन पर क्लिक करना है तो जो हमने दोनों साइड स्कैन किया है वो ऊपर नीचे प्रिंट होके निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड जूम होके निकल आया है। और ये तीसरा सेटिंग है रेशन कार्ड सेटिंग, उसमें क्या रेशन कार्ड का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इतना साइज होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आप ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं।
जो रेशन कार्ड का जो साइज़ होता है, ये आप देख सकते हैं इतना साइज़ होता है, A5 जितना साइज़ होता है, A4 का आधा साइज़ होता है। ये आपको रेशन कार्ड इस तरीके से रखना है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने ये दो नंबर पर रेशन कार्ड का सेटिंग सेव करके रखा है, दो नंबर पे। ये देख सकते हैं आप दो नंबर का सेटिंग। ये है सेटिंग, A5 से A4, A5 पेपर से A4। सबसे पहले आपको फंक्शन मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंबाइन पर क्लिक करना है, जैसे हमने आईडी कार्ड में किया था 2 in 1, वही करना है। और ओरिजिनल साइज़ में हमको A5 सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो हम A5 सिलेक्ट साइज़ स्कैन कर रहे हैं। बस इतना ही सेटिंग आएगा इसके अंदर। फिर आपको जो जिस तरीके से हम ये देखिए, आप ऐसे बटन दबा के उस सेटिंग को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मैंने सेव किया, इसलिए मतलब ओवरराइट दिखा रहा है। आपको इस तरीके से वो सेटिंग सेव करके रखना है। फिर आप जैसे हम स्कैन करते उस तरीके से स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्कैन करना है। ये जो स्कैन हो गया है, मैं वही फिर से स्कैन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको जो रेशन कार्ड आता है वो अगला और पिछला दोनों स्कैन करना है, वो ऊपर नीचे सेट होके आ जाएगा। फिर से स्टार्ट पर क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं स्कैनिंग हो रहा है। फिर आप जो है एंड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये एंड स्क्रीन आप क्लिक करोगे तो जो हमने स्कैन किया है A5 साइज़ वाला, ऊपर और नीचे दोनों साइड प्रिंट होके निकल आएगा। आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे प्रिंट होके आ गया है। अगला सेटिंग है लीगल साइज़ से A4 में आप प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। लीगल साइज़ जो होता है, लंबा पेपर आता है, उसको आप A4 में कैसे ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लीगल साइज़ का पेपर मैंने रखा है अंदर आपको दिखाने के लिए। और मैंने ये जो लीगल से A4 का सेटिंग 3 नंबर के से बटन में सेव करके रखा है, प्रोग्राम 3, ये आप देख सकते हैं लीगल से A4 में प्रिंट हम कैसे, ये मेरा सेटिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, फंक्शन मेनू में जाना है, सबसे पहले आपको पेपर सिलेक्ट करना है A4, क्योंकि हम A4 में प्रिंट निकाल रहे हैं। यहाँ से जूम में जाके जूम एंट्री में आपको 85 सिलेक्ट करना है, जो लीगल साइज़ बड़ा होता है, इसलिए 15% वो कम करके A4 में सेट कर देगा। फिर ओरिजिनल साइज़ में आपको लीगल पेपर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लीगल पेपर स्कैन कर रहे हैं मशीन के अंदर, तो यहाँ से आपको लीगल करना है। और उसके अंदर कोई और सेटिंग नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं लीगल से A4 85%। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, जिससे वो पेपर स्कैन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पेपर बाहर निकल आया है A4 साइज में। ओके, और अगर आपको लीगल, ये आप देख सकते हैं लीगल साइज से लीगल साइज में कैसे निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मैंने ये सेटिंग रखा हुआ है 4th नंबर के बटन पे, ये आप देख सकते हैं लीगल से लीगल आपको दिखा रहा है। मैं दिखाता हूँ इसका सेटिंग हम कैसे करते हैं। और मैंने MP ट्रे सिलेक्ट किया है, ये MP ट्रे सिलेक्ट है, यहाँ से मैं लीगल साइज़ का पेपर रखता हूँ, यहाँ से वो मशीन के अंदर पेपर जाता है। सबसे पहले आपको फंक्शन मेनू में जाना है और पेपर सिलेक्शन में MP ट्रे सेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि पेपर वहाँ से आएगा, तो लीगल इसके अंदर जाके लीगल पेपर आपको सिलेक्ट करना है। और जो ओरिजिनल साइज़ है उसके अंदर भी लीगल पेपर सेट करना है।
यहाँ से पीपर लीगल पेपर सेट सिलेक्ट करना है, और दूसरा कोई सेटिंग नहीं आएगा इसके अंदर। फिर जैसे हम कॉपी निकालते हैं उसी तरीके से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ये पेपर स्कैन हो रहा है, मैंने कोई नीचे पेपर नहीं रखा इसके लिए एरर दिखा रहा है, पर मैं जो स्कैन के किया है पेपर उसके पीछे ही प्रिंट निकालता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने आप यहाँ पे रख दिया है वही पेपर। ये देखो अंदर चला गया है, और ये जो पीछे की साइड हो है ना वहाँ पे प्रिंट हो के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं प्रिंट हो चुका है लीगल से लीगल। अब ADF डुप्लेक्स सेटिंग में आपको दिखाता हूँ कि आप एक साथ 20-15 पेपर फोटोकॉपी कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी पेपर है वो आपको यहाँ पे रख देना है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर कहीं से मुड़ा हुआ हो ना हो, या स्टेपल किया हुआ ना हो, और कहीं से चिपका हुआ ना हो, वरना यहाँ अंदर जाके फंस जाएगा और मशीन ख़राब करेगा। ये आप देख सकते इस तरीके का सेटिंग दिखा रहा है। अगर सिंगल साइड ही निकालना है आपको तो सिंपल है, इसके अंदर रख के कोई सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको दोनों साइड प्रिंट करना है ड्यूअल, तो यहाँ पे डुप्लेक्स में जाके ये जो फोर्थ वाला बटन है टू साइडेड उसको सिलेक्ट करना है, दूसरा वाला नहीं चौथे वाला सिलेक्ट करना है। फिर आप ओके बटन पर क्लिक कर गए तो वो सेटिंग आ जाएगा। फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए आप दोनों तरफ स्कैन होके डुप्लेक्स प्रिंट होके बाहर निकलेगा ये। प्रोसेस हो रहा है अंदर, ये देखिए आप प्रिंटिंग शुरू हो चुका है, दोनों तरफ प्रिंट होके बाहर निकलेगा। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्रिंट होकर निकला है। अब हम मशीन के दूसरे सेटिंग देखेंगे। यहाँ पे पेपर सिलेक्शन है, पेपर सिलेक्शन में जो भी आपने नीचे ट्रे रखी है ट्रे में आप सिलेक्ट कर, तीन ऑप्शन है ऑटो, और ये दो और तीन दो दिखा रहा है, और MP ट्रे सेट दिखा रहा है। ये जो तीन नंबर वाला है, अगर आप अलग से ट्रे खरीदोगे तो उसके नीचे एक ट्रे आ जाएगी, तो यहाँ से आप जो भी पेपर रखोगे वो यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। फंक्शन मेनू में जाके जो भी आपने लीगल पेपर रखा है तो लीगल सिलेक्ट करना है। ये है कॉलेट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑन रखना है। ये डुप्लेक्स का बटन है, मैंने आपको ये दिखाया था कि ये डुप्लेक्स किस तरीके से होता है। ये चार तरीके से आप डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अलग से इमेजेस रखे हैं कि ये प्रिंटिंग कैसे होता है। इसका ऑप्शन अंदर ये जूमिंग ऑप्शन है, आपको कितना जूम करना है, किस तरीके से जूम करना है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कंबाइन है, मतलब एक पेपर में दो लेना है कि एक पेपर में चार लेना है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ओरिजिनल साइज में ऑटो रखना है कि जो भी आप मशीन के अंदर पेपर कॉपी के लिए रखा है वो कौन सी साइज का है, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। ये टॉप पेज ऑन लेफ्ट यही ऑप्शन आपको रखना है। जो ओरिजिनल जो आप फोटो कॉपी निकाल रहे हो टेक्स्ट प्लस फोटो रखना है, अगर फोटो है तो फोटो को सिलेक्ट करना है, और सिर्फ टेक्स्ट है तो यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, और डेंसिटी है या आप प्रिंट कितने डार्क चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और लाइट चाहिए तो भी यहाँ से कर सकते हो। ये इको प्रिंट है उसको ऑफ रखना है, इको प्रिंट में बहुत अच्छी प्रिंट नहीं आती। ये कंटिन्यू स्कैन है,
यहाँ से आप ऑन करोगे इसको तो एक साथ आप 50 कॉपी स्कैन करके फिर बाद में एंड स्क्रीन करेंगे तो सारी कॉपी 50 कॉपी एक साथ में निकलेगी। यहाँ से आप शार्पनेस सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये शार्पनेस का ऑप्शन है, इस तरीके से शार्प होता है, या कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे ऑप्शन, बैकग्राउंड डेंसिटी भी ये इस तरीके से होती है फ़ोटो, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सेटिंग करना है। पर ये सिस्टम मेनू काउंटर है, यहाँ पे इस बटन में इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, इसमें आपको सभी तरह के मशीन के रिपोर्ट निकल जाएंगे कि मशीन कौन किस आपने कितनी कॉपी निकाली है, किस तरीके से कॉपी निकाली है। यहाँ काउंटर का बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी आपने प्रिंट निकाली है, ये आप देख सकते हैं मैंने कॉपी निकाली है, इतनी प्रिंट निकाली है, टोटल मैंने 50,000 कॉपी निकाली है, ये आप देख सकते हैं। पेपर सिलेक्ट करने के लिए A4 की मैंने 48,000 निकाली है, B5 की नहीं निकाली मैंने, लीगल साइज में भी निकाली है मैंने, ये बाय डुप्लेक्स, अलग अलग ऑप्शन से आप अलग अलग कॉपी कितनी निकाली आप यहाँ से देख सकते हैं, बाय कंबाइन, कंबाइन में भी आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको टोटल दिखाएगा आपने कितनी टोटल निकाली है, ये देख लीजिए आप मैंने 50,000 कॉपी निकाली है। कितने पेजेस आपने स्कैन किए यहाँ से दिखा रहा है, ये सिस्टम मेनू है, ये कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में मशीन चलता है, ये डेट सेटिंग, टाइम सेटिंग, फंक्शन, लॉगिन, ऑपरेशन, यहाँ से सारे ऑप्शन आपको ये यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं।